नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि दोनों टीमों का आईपीएल रिकॉर्ड क्या कहता है, यानी कि आज जो बड़ा मैच है केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसका रिकॉर्ड हमने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया आपको कि अभी तक 25 मुकाबले दोनों के बीच हो चुके हैं, जिसमें मुंबई जो है 19 मुकाबले जीत चुकी है और केकेआर सिर्फ और सिर्फ 6 मुकाबले जीती है। तो आज के मैच में केकेआर चाहेगी कि वो मुंबई पर पलटवार करे और जीत से इस टूर्नामेंट का आगाज करे। ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पिछले 4 मैचेस की जब भी मैंने आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई, लगभग वही प्लेइंग 11 खेली भी है। मैंने कल के मैच में भी आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा और उन्हें मौका मिला भी। ऐसा लग रहा था कि धोनी, क्योंकि चेंजेस शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं करते हैं और वो भी तब जब वो पहला मैच जीत गए थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था गायकवाड़ खेलेंगे और वो खेले भी। ऐसे में आज एक बार फिर से मैं आपके लिए सूत्रों के हवाले से अपने ये खबर लेकर आया हूं कि आज की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक जो कप्तान है, उसके अलावा टीम में रहेंगे शुभमन गिल, ओएन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड से सीधा आए हैं उन्हें जरूर मौका मिलेगा, सुनील नारायण लगातार पिछले कई सालों से खेलते चले आ रहे हैं, स्टार परफॉर्मर हैं इस टीम के, नीतीश राणा अच्छे बल्लेबाज हैं, इन्हें मौका मिलेगा, आंदर रसल तो खेलेंगे ही वो तो तय है, रिंकू सिंह को मौका मिल सकता है, शिवम मावी को मौका मिल सकता है, शिवम मावी पिछले साल भी खेले थे और अच्छे गेंदबाज हैं, कमलेश नागरकोटी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि युवा खिलाड़ी हैं और तेज बॉलिंग करते हैं, अंडर 19 के स्टार भी रह चुके हैं, इन्हें भी मौका मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस इन्हें खिलाया जा सकता है और साथ ही साथ स्पिन डिपार्टमेंट रहेगा कुलदीप यादव के जिम्मे। तो ये पूरी 11 है, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, ओएन मॉर्गन, सुनील नारायण, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस और कुलदीप यादव। ये प्लेइंग 11 के साथ दिनेश कार्तिक मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस प्लेइंग 11 में वो दमखम होगा जो मुंबई को कड़ी टक्कर देगा और इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुंबई की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप क्रिकेट फैंटेसी लीग्स खेलते हैं और आपको प्राइजेस कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, तो मैं उसका भी जरिया आपको बताऊंगा, बेस्ट ड्रीम प्लेइंग 11 बताकर कौन सी इन 22 प्लेयर्स में बेस्ट 11 प्लेयर्स होंगे जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने कल के मैच में बताया भी था अपनी बेस्ट ड्रीम प्लेइंग 11, और लगभग हर जो प्लेयर मैंने बताया था उसने परफॉर्म किया भी है, तो आज भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।